हमारे साथ जो मेहमान है उसमें है डॉक्टर एमएस कंवर, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ अमेरिका के, डॉक्टर धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही समीर भाटी जी हैं जो स्टार इमेजिंग के चेयरमैन हैं जो टेस्टिंग का काम करती है दिल्ली में। और ये जो टेस्टिंग के आंकड़े कम होने की बातें कही जा रही है या लोग कम टेस्ट करा रहे हैं या लोगों के टेस्ट में कम पॉजिटिव आ रही है, इन सब पे विस्तार से बातचीत होगी। सरकार ने एक बड़ी स्कीम सामने रख दी है जिसमें दो अहम डिसीजन है, एक तो ये कि गैप बढ़ा दिया है और दूसरा कैलेंडर जारी कर दिया है कितनी वैक्सीन वो अगले दिसंबर तक बनाते रहेंगे। चूंकि आप पब्लिक से ज़्यादा डील करते हैं और आप इस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आप कितना कंफर्टेबल हैं इस फैसले को लेकर के? देखिए, जिस तरह से अभी काफी सारी चीजें आई है एकदम से, हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको स्पीड अप करने के लिए, साथ के साथ हमारी जो अभी ये इन्फेक्शन रेट बढ़ गया था और जो हमारी सेकेंड वेव के अंदर केसेस भी काफी बढ़ गए थे, उस समय ही हमारा जो ये 18 साल वाला जो ड्राइव है वो भी लॉन्च हुई। और उसके बाद फिर कुछ और पॉलिसीज में चेंज हुआ कि ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, तो थोड़ा सा अभी तो क्योस हो गया और अवेलेबिलिटी कम हो गई, प्रोडक्शन भी कम हो गया, तो इस वजह से ये थोड़ी सी चैलेंजेस आए। बट अभी जैसा सुनने में आ रहा हो, जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने जो आपकी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को भी ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है आपको बिपकोल को, तो वो भी अपना प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम थी कोविशील्ड की, तो फिर भी सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्शंस थी। और अब जिस तरह से स्पूतनिक भी आ गई है, तो तीन वैक्सीन तो हमारे पास अवेलेबल है, और J&J का भी जिस तरह से बात चल रही है कि उनसे अभी कुछ और डेटा मांगा गया और मंडे तक शायद वो भी अपना आगे डेटा सप्लाई कर देंगे, तो उस तरह से चार वैक्सीन तो हमारे पास अवेलेबल होंगी। और अभी जो ये आपका कोविशील्ड के लिए जो गैप बढ़ गया, तो इसके बाद अभी जो सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा था हमारी जो सेकेंड डोज को लेके, वो चाहे हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, 45 एज ग्रुप वाले थे, उन सबका ड्यू हो गया था, तो वो भी एक थोड़ा सा अभी डिले होने की वजह से, जिसको आगे टाइम भी एक्सटेंड किया गया, बट उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, तो वो भी एक्सटेंड हुआ है। तो आई थिंक ये सब चीजें होने के बाद अब थोड़ा सा जो है चीजें स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, और वैक्सीनेशन ड्राइव को हम स्पीड अप कर पाएंगे। और साथ के साथ जिस तरह से अभी हमारा जो ग्राफ भी है, जो ट्रांसमिशन का ग्राफ है और जो न्यू केसेस का ग्राफ है, वो भी काफी कम हो गया है, तो इन सब चीजों को देखते हुए ड्राइव अब थोड़ी और स्पीड अप होगी। ये जो अब कहा जा रहा है कि 16 हफ्ते तक का गैप किया जा सकता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रोबेबली इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल रीजन, या ये समझिए कि वो ज्यादा स्प्रेड आउट करना चाहते हैं लोगों में, ज्यादा लोगों को लग जाए फर्स्ट शॉट, उससे कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगी भी। यही डिसीजन था यूके में NHS का। डॉक्टर कंवर, इसमें आप ये कह रहे हैं कि शायद कंपल्सन ये होगा कि ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा उतना प्रोडक्शन नहीं है, ये रीजन ज्यादा बड़ा है, रादर इसके कि जो स्टडीज का हवाला दिया जा रहा है कि कनाडा में कोई स्टडी की गई उसमें पाया गया कि एफिकेसी बढ़ जाती है, आपको क्या लगता है कि 12 से 16 हफ्ते करने का फैसला साइंटिफिक है क्या? गवर्नमेंट काम अच्छा कर रहा है लेकिन मैसेजिंग में मार खा रहा है। दोनों डोज बढ़ाने से, जैसा शेक्सपियर में होता है ना, ट्वाइस ब्लेस्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहा है, सबकी भलाई है, एफिकेसी जरूर बढ़ती है। वो क्या बता रहे थे पता नहीं, काफी स्टडीज है दुनिया में, कब के आए हुए है। अगर दो डोज का फासला बढ़ाया तो एफिकेसी डेफिनेटली बढ़ती है और ज्यादा लोगों को डोसेस भी मिलते हैं। भाटी साहब, आप बताइए, क्योंकि आप टेस्टिंग करते हैं, आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट ज्यादा है, लोग कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, किस तरीके से, या जितनी रिपोर्ट्स आप दे पा रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग पॉजिटिव निकले, क्या है? देखिए, अभी अगर मैं पिछले कुछ एक हफ्ते की बात करूं तो डे टू डे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है टेस्टिंग वाले, वो काफी कम हो गए हैं। हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स भी आते हैं गवर्नमेंट से, वो सब भी काफी कम हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है, पर देखा ऐसा जा रहा है कि वो शहरों में कम हुई है। अब मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, दिल्ली NCR, तो यहां पर नंबर ऑफ टेस्टिंग काफी कम हो गई है, अब बहुत ही कम पहुंच रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, और जितने टेस्टिंग हो भी रहे हैं उनमें अब पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम है। पर हाँ, ये सुनने में जरूर आ रहा है कि गांव में अभी भी जो है काफी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। जी, एक एफिकेसी को और डिटेल में समझा दीजिए अभी गोडसे साहब, जो थोड़ा एक्सप्लेन करिए, और एक होता है इम्यूनोजेनिसिटी, बढ़ जाएगी क्या इससे, ये दोनों शब्द का मतलब क्या है, ये भी जरा बताइए। देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक मैं पहली बार आपके शो पे हूँ, जो डॉक्टर गोडसे बोल रहे हैं एग्री करता हूँ मैं इसके ऊपर। एक्चुअली दिसंबर इसकी रिजल्ट 3 महीने पहले आए थे इस स्टडी के, जिसने क्लियरली दिखाया था कि हाईएस्ट एफिकेसी 12 हफ्ते में है, 16 हफ्ते में नहीं है, 8 हफ्ते में नहीं है, 12 हफ्ते में है।
यूके ने उसको अपनाया, बिकॉज देखिए अगर आपके पास 100 लोग हैं और 100 वैक्सीन है, दो ऑप्शन है, या तो आप 50 लोगों को फुली वैक्सीनेट कर दीजिए, उसके दो हफ्ते के बाद रुकिए, 77% एफिकेसी दिखेगी आपको एस्ट्राजेनिका की, 70 to 77, अब 70% दिख रही है, थोड़ी गिर चुकी है रेयर वेरियंट्स पे भी। और अगर आप 100 लोगों को सिंगल शॉट लगाएंगे तो 55% एफिकेसी के करीब दिखती है एक शॉट के बाद, 12 हफ्ते के बाद लगाएंगे तो कंबाइंड एफिकेसी 83 to 82% के करीब आती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। इम्यूनोजेनेसिटी देखिए, ये जानना जरूरी है कि जब आपको वैक्सीन मिलती है, होता क्या है कि आपके इम्यून सेल्स उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक तरीके की एंटीबॉडी या वॉरियर्स बनाते हैं जो वायरस से लड़ता है।